हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, 12th क्लास। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लेंज लॉ। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, हम कौन से लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एम्पियर रूल, राइट हैंड क्लैपेरॉन। हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताते हैं। किससे बताते हैं हम? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो राइट आंसर क्या हो गया? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एन। किस लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज एनर्जी इंड्यूस ईएमएफ करंट। हमने इससे पहले पढ़ा था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ किस पे बेस्ड था? एनर्जी पे। लेंज लॉ भी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है यहाँ पे क्या रहती है? कंजर्व रहती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल्स ए एंड बी इन द सिचुएशन शोज इन द फिगर इज। हमें ये फिगर गिवन है और हमें बतानी है डायरेक्शन क्या होगी, पहले ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक में। देखो, अब हमारी ए और बी दो कोयल है और एक हमारा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के पोल बता रखे हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब हमें बताना है कि इसमें जब हम इसको मूव कराते हैं मैग्नेट को, तो कोयल के अंदर क्या होगा? इंड्यूस करंट। इसके अंदर भी क्या होगा? इंड्यूस करंट। तो हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो, पहले इसमें देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। नॉर्थ पोल को एरो, देखो जिधर एरो जा रहा है इसका मतलब मैग्नेट उधर ही जा रहा है। हमारा जो नॉर्थ पोल है दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम कोयल। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल को जब हम दूर लेके जाते हैं तो मेरा कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो उसको क्या करता है, लेंज लॉ की प्रॉपर्टी क्या है? अपोज करना। देखो, नॉर्थ पोल को दूर लेके करंट कम होने की कोशिश करेगा, हमें क्या लेके आना पड़ेगा? साउथ पोल, ताकि ये इसको क्या करे, दूर ले जाने से कौन रोक सकता है? नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, वही तो इसको दूर जाने से रोकेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, यानी कि करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक्स से वाई। तो बी कोयल में तो हो गया एक्स से वाई। देख लेते बी में एक्स से वाई कहाँ है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में एक्स से वाई है। अब हम इसमें देख लेते हैं। अब देखो, इसमें ए कोयल की तरफ लेके आ रहे हैं हम साउथ, साउथ इधर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा? दूर भेजेगा। दूर भेजेगा तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा मेरा, तो वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मुझे तो इसको दूर भेजना, अपोज करेगा ना ये इसको। तो यहाँ पे भी क्या डेवलप हो जाएगा? साउथ पोल। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम साउथ पोल को इनटू द कोयल, अगर हम साउथ मैग्नेट को इनटू द कोयल ला रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ। और अगर हम नॉर्थ को अवे लेके जा रहे हैं तो कौन सा जनरेट होता है? साउथ। तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी? क्या उससे पी की तरफ हो जाएगी। तो बेटा यहां भी हमारा क्या होगा? साउथ पोल जनरेट। तो मैं इसके अंदर भी क्या लिख देती हूँ? साउथ। और यहां भी मेरा क्या जनरेट हुआ था? साउथ। याद रखना, इसमें हमारा साउथ पोल इसलिए जनरेट हुआ था क्योंकि नॉर्थ को अवे लेके जा रहे थे। इसमें साउथ पोल क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि साउथ को पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ रिपेल होना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। अब देखो, साउथ की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे लगाते हैं हम, कौन सी डायरेक्शन होती है साउथ की? तो बेटा हमारी डायरेक्शन क्या होगी? क्यू से पी, और इसमें क्या होगी? एक्स से वाई। यहाँ पे एक्स पे पोल जनरेट हुआ है साउथ पोल, इसलिए एक्स से वाई हो जाएगी। यहाँ पे क्यू पे साउथ पोल जनरेट हुआ है, इसलिए क्यू से पी हो जाएगी। दोनों ऑप्शन मैच करते हैं, किसमें है? क्यू टू पी इन कोयल ए और एक्स टू वाई इन कोयल बी। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
The direction of induced current in the right loop in the situation shown in figure is. हमें एक फिगर दे रखी है, हमें राइट लूप यानी कि ये वाला, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो, हमें एक ये कॉइल दे रखी है, इसमें करंट ऑलरेडी कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज, और हमें बता रखा है टैपिंग की इज जस्ट क्लोज। अगर हम टैपिंग की को क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताते हैं। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जब भी पूछी जाए हम किससे बताएंगे, लेंज लॉ से या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। यहाँ पे फ्लेमिंग रूल तो लगेगा नहीं, तो लेंज लॉ लगेगा इंड्यूस करंट के लिए, इसलिए हमें इसमें बताना है। तो देखो, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लॉकवाइज है, की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज की होते ही हमारा करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंड्यूस करंट की प्रॉपर्टी ही क्या है कि वो जिसकी वजह से पैदा होता है उसी को अपोज करना शुरू कर देता। अब इस कोयल में अपोज कब करेगा, अगर यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ कैसा करंट आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसमें ऐसे था तो इसमें उल्टा होना चाहिए, तो मेरी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, कॉमन एक्सिस नहीं होगा, एक्स जेड वाई नहीं होगा, एक्स वाई जेड और नन ऑफ दीज। तो कौन सा है ऑप्शन सही, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज था, करंट इंक्रीज हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, अगर यहाँ पे हमने की ओपन रखी होती तो क्या होता, करंट डिक्रीज होता, उस टाइम यहाँ क्या हो जाता, अपोज करने के लिए इंक्रीज होना पड़ता, तो फिर डायरेक्शन भी क्या हो जाती, उल्टी। अब यहाँ इस फिगर में हमें क्या देखना है कि करंट इंक्रीज हो रहा है और क्लॉकवाइज है, तो इसमें अपोज करेगा तो डिक्रीज होना पड़ेगा, और डिक्रीज होने के लिए उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड। तो सही ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इंटू ए सर्कुलर शेप इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इंटू द पेपर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना। हमें गिवन क्या है, एक इरेगुलर शेप की कोयल दे रखी है, ये ए बी सी डी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रखा है हमारा, इंटू द प्लेन और परपेंडिकुलर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इंटू द प्लेन और परपेंडिकुलर। और ये जो हमारे इरेगुलर शेप की कोयल है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ये जो डॉटेड सर्कल है इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो हमें बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बेटा देखें, ध्यान से देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी एरिया सर्कल में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये अपने आप को एक्सपेंड करा, अलग से दिख रहा है, जो हमारी रिजिड बॉडी इसके अंदर थी, सर्कल का एरिया उससे ज़्यादा है, यानी कि एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरिया जितना ज़्यादा होगा, हमने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अब मुझे तो पता है लेंज लॉ का काम ही क्या है, अपोजिशन। क्या काम है लेंज लॉ का, अपोज करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए ही इंड्यूस करंट पैदा होता है, और वो इंड्यूस करंट क्या करता है, उसको अपोज करता है। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एरिया, उसकी वजह से क्या इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है, अपोज कौन करेगा, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट अपोजिशन में है, इसलिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये तो बेटा मेरे पास क्लॉकवाइज आ जाती, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ऐसे डायरेक्शन आ गई मेरे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी सी बी ए। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है ए बी, ये तो क्लॉकवाइज गलत हो गया, दूसरा ए डी सी बी ए, मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या है, ए सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी सो दैट ए स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनोइड द करंट विल। हमें बताना है, अगर हम सोलेनोइड को जो बैटरी से कनेक्ट है उसके अंदर हम आयरन कोर को डाल दें तो हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या
पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा। तो देखो बेटा, एक सोलेनोइड है वो बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही हमने उसमें आयरन कोर डाली, आयरन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, उसकी वजह से उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर क्योंकि आयरन कोर थी तो यानी कि करंट इंक्रीज हुआ उसके अंदर, पहले से करंट फ्लो कर रहा था, बैटरी से कनेक्ट है, आयरन कोर डाल दी, करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हुई, इसका मतलब मेरा डायरेक्टली क्या इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। अब हमें तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, यानी कि या हमें यहाँ पे बताना है कि जो करंट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा था। तो मेरा जो ईएमएफ है उसका काम तो अपोज करना है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा, मेरा करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि उसको डिक्रीज करेगा। और मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकती हूँ, मैं करंट को घटा दूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज, क्योंकि करंट को घटाने से ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। और आयरन कोर करने से तो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, लेकिन लेंज लो का काम तो क्या है, अपोज करना। आयरन कोर ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को, फिर अपोजिशन में कौन आया लेंज लो के अकॉर्डिंग, इंड्यूस ईएमएफ, जो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने का एक ही तरीका, करंट क्या हो जाए मेरे पास, कम हो जाए, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो। जहाँ भी लेंज लो आ जाए इसका मतलब एक ही बात है कि वो उसे जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ वो उसी को क्या करता है, अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पढ़ लेते हैं, हमें बताना इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है। फर्स्ट, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। यस, करेक्ट है, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, बिल्कुल सही है, लेंज लॉ की डेफिनेशन ही ये है। नेक्स्ट है, द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ तब तक ही रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया, उसमें चेंज नहीं हुआ, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी मेरी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाई लेंज लॉ, बार बार पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हो या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो, कौन देता है, लेंज लो, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, लेंज लो इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल गलत है, सबसे पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लेंज लो और फेराडे लो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो मेरा गलत क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट। तो पूछा ही क्वेश्चन में क्या गया, कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो ये राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर एंड इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि क्रॉस क्रॉस से दिखा रखा है, क्रॉस का मतलब क्या था, इन टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर, डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। उसके बाद दिखा रखा है, एन इररेगुलर शेप्ड कंडक्टिंग लूप इज स्लोली चेंजिंग इन टू ए सर्कुलर रूप इन द प्लेन ऑफ पेपर, हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखो क्या दे रखा है, क्रॉस क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और उसके अंदर एक इररेगुलर शेप की कंडक्टिंग लूप डाल रखी है हमने, जो धीरे धीरे अपने आप को किस में चेंज कर रहा है, सर्कुलर लूप में, हमें करंट की क्या बतानी है, डायरेक्शन। एक दो न्यूमेरिकल पहले ही हमने देखा था, हमारे पास क्रॉस क्रॉस करके एक फिगर थी और उसमें कैसा था, एक लूप था जिस जो सर्कुलर में कन्वर्ट हो रहा था, मैंने क्या कहा था, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो करंट को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, यानी कि अपोजिशन। तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिशन की वजह से कैसी आई थी, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी कैसी होगी, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें फिगर नहीं बना के बता रखी, वही जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्टेट वायर इज डिक्रीजिंग, ये फिगर दे रखी है हमें, ए से बी करंट जा रहा है और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, जो ये ऊपर लूप है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो करंट क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होगा तो मेरी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम तो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का क्या है, उसको अपोज करना। अपोज करना मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब अपोजिशन है, वर्ड क्या आ गया मेरा, अपोजिशन। अपोज करेगा तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिशन वर्ड आते ही डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले में भी डायरेक्शन अपोज कर रहा था तो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी कैसी है, अपोजिशन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इन टू ए सोलेनोइड एट वन एंड, से ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द फिनोमेना टेकिंग प्लेस। देखो हमें बताना है, अगर किसी बार मैग्नेट को मैं सोलेनोइड के अंदर डाल रही हूँ, और कौन सा पोल डाल रही हूँ, नॉर्थ पोल को, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखो अगर मैं सोलेनोइड के अंदर नॉर्थ पोल डाल रही हूँ तो क्या होगा, मेरा जैसे ही मैग्नेट जो है मेरे अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए लेंज लो आएगा जो इंड्यूस ईएमएफ को क्या करे, इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको क्या करता, क्या काम करता है, उसको अपोज करने का काम करता है। तो मेरा नॉर्थ पोल है अपोज करेगा, नॉर्थ पोल जा रहा है तो इसको अपोज करने के लिए वहां पे क्या होगा, अगर साउथ पोल होता तो वो क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। सोलेनोइड का जो एंड है वहां पे अगर मेरा साउथ पोल होता तो क्या करता, अट्रैक्ट। लेकिन लेंज लो तो क्या कहता, अपोजिशन होना चाहिए। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को मैग्नेट के अंदर लेके आ रही हूँ रैपिडली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन वो उस चेंज को अपोज करता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिशन की वजह से वहां पे नॉर्थ पोल को जनरेट होना पड़ेगा, ताकि वो नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्सन हो जाए, और ताकि वो उसे रोक सके, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रोक सके। तो एंड ए पे दे रखा था, तो एंड ए पे कौन सा पोल आना चाहिए, मेरा नॉर्थ पोल आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉर्थ, द एंड ए ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर एज सीन फ्रॉम द जेड एक्सिस विल बी, हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है सिलेंडर के अंदर क्या होगी। तो देखो सबसे पहले गीवन ही क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है जिस पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखो ध्यान से देखो बेटा स्टेटमेंट को, क्या दे रखा है, जो लॉन्ग सिलेंडर है इसको हमने कहाँ रखा है, पैरेलल टू ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बोल दिया यहाँ पे, यूनिफॉर्म, वर्ड क्या आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कॉन्स्टेंट एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्या कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो कांस्टेंट रहेगा, अगर मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हमें तो पता है इंड्यूस करंट चेंज की वजह से पैदा होता है, जब कोई चेंज ही नहीं आया तो इंड्यूस करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि इंड्यूस करंट मेरा कितना हो गया यहाँ पे, जीरो। तो स्टेटमेंट भले ही बड़ी सी लग रही है देखने में, लेकिन आंसर बहुत आसान है, क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड आते ही हमें देखना है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, जीरो है, तो मेरा इंड्यूस करंट जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हमें एक कंडक्टिंग लूप दे रखा है, कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि पैरेलल रखा, सॉरी परपेंडिकुलर रखा हुआ कंडक्टिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। हमें पूछ रखा है एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप, कब इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ,
तो देखो फर्स्ट है वैनिटी रोटेटेड अबाउट एक्सिस, सेकंड रोटेटेड अबाउट डायमीटर, थर्ड इट इज नॉट मूव्ड, फोर्थ इट इज गिवन ट्रांसलेशन मोशन इन द फील्ड। तो देखो बेटा जो लूप है इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा, परपेंडिकुलर। पहली बात तो यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ पैदा ही कब होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मेरा तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, और चेंज नहीं होने की वजह से जीरो, लेकिन ऑप्शन में कहीं जीरो तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब आएगा, जब मूव करेगा, रोटेट करेगा मेरा सर्कल, ठीक है। तो रोटेशन तो आ ही गया, यानी कि इट इज नॉट मूव्ड तो गलत हो गया, क्योंकि मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा। अब मूव करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रुका है तो इसका मतलब डायमीटर के अराउंड हो जाता, पहले रखा होगा तो कहाँ हो जाता, अबाउट इस एक्सिस। हमें परपेंडिकुलर बता दिया है, सर्कुलर रूप जो कंडक्टिंग था वो कहाँ रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कहाँ रोटेट करेगा, इट इज रोटेटेड अबाउट ए डायमीटर, अपने ही डायमीटर के अलोंग रोटेट करेगा, तो मेरा इंड्यूस ईएमएफ मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, When a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes in every. हमें बताना है अगर हम किसी वायर लूप को, यानी कि एक ऐसा लूप जो वायर से बना हुआ, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो इंड्यूस EMF में चेंज कैसे आते हैं, वन रिवोल्यूशन, नहीं बेटा, 1/4, 2, 1/2। देखो जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हाफ में, अगर कोई लूप है हाफ में डायरेक्शन जो होगी, अदर हाफ में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिशन, वो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे ही 1/4 है तो बाकी के तीन हिस्सों में डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पहले सर्कल वाला पहला हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल अपोजिट, दो सेम हो जाएंगी, दो अपोजिट हो जाएगी, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। टू टू में तो वही वन का डबल कर दिया, तो हाफ रिवोल्यूशन में ही क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर कोई भी दिक्कत है लेंज लो में, फिर से पढ़ सकते हो। लेंज लो के लिए हमें उसकी बस डेफिनेशन याद करनी है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी होगा तो वहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आएगा वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंज लॉ का नाम जहाँ भी आ गया वहाँ क्या आ गया, अपोज। दूसरी मेन बात क्या याद रखनी है, फेराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, और दोनों किस पे बेस्ड हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है बेटा, इतना ही कर लेना, और प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक से, किसी भी रिफ्रेशर से, एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।